हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग आर्ट में आपका स्वागत करती हूँ। मैं सुनीता राज आज आपके लिए एक और पैटर्न लेकर आई हूँ, केबल विद जाली। इसमें केबल के साथ साथ है, जाली भी डलेगी। तो इसे बनाने के लिए 6 के मल्टीपल और प्लस 4 फंदे आपने ऐड कर लेने हैं। तो आइए शुरू करें कि ये बनता कैसे है। 1, 2, 3 जालियाँ यानी कि 6 सिलाइयों का पैटर्न है और 2 सिलाइयाँ इसमें प्लेन पड़ेंगी। 8 सिलाइयों का ये आपका डिज़ाइन है। इन्हीं 8 सिलाइयों को आपने रिपीट करते चले जाना है। तो आइए शुरू करें। शुरू करने के लिए सबसे पहले करना क्या है, बॉर्डर ख़त्म करने के बाद आपने 2 सिलाइयाँ प्लेन डालनी है, एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी। तो ये 2 सिलाइयाँ प्लेन करने के बाद फिर आपने ये पैटर्न रिपीट करना है। तो इसमें मैंने जो है एक सिलाई सीधी और एक सिलाई उल्टी डाल ली है। अब मैं अपना पैटर्न शुरू करती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सीधी तरफ से 2 फंदे सीधे, दो दो फंदे हमने साइडों में रखे हैं, 2 फंदे सीधे रखेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5। और लास्ट के 2 फंदे रह गए हैं, इन्हें भी हमने सीधा मोड़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सीधी सिलाई में क्या किया, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और 2, 4 और 1, 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे और 2 लास्ट के भी मैंने सीधे बना लिए। उल्टी तरफ से सारी सिलाई उल्टी बनानी है, जो हमने आगे से एक फंदा उल्टा किया है उसे सीधा बनाना है। तो ये मैं आपको उल्टी सिलाई बनाने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से जो फंदे हमने आगे की तरफ से उल्टे डाले थे उस फंदे को हमने सीधा बनाया है, बाकी सभी फंदों को उल्टा बनाया है। अब राइट साइड फिर आ गए हैं। आगे अब आपने क्या करना है, 2 फंदे शुरू के सीधे बना लेने हैं और जो फंदा हमने एक उल्टा बनाया था उस उल्टे फंदे पर हमने जाली डालनी है। तो धागे को घुमाएंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और अगले फंदे के इस फंदे की हमने डायरेक्शन चेंज करनी है, सिलाई से निकालेंगे और इसको ऐसे पलट देंगे। पलट दिया, अब 2 फंदों का एक करेंगे और आगे के 2 फंदे सीधे, 1, 2। फिर डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ये जो हमारा एक उल्टा फंदा है, ये जो यहाँ इधर से सीधा दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर उल्टा है, तो इस उल्टे फंदे पर हमने जाली डालनी है। धागा किया और जाली डाल दी, एक उल्टा फंदा बुन लिया, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, अगले फंदे को इस फंदे को सिलाई से निकाल कर पलट लेना है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है और 2 फंदों का बैक साइड से एक कर देना है और 2 फंदे सीधे। फिर उल्टा फंदा आ गया, उल्टे फंदे पर जाली डालनी है, धागा लपेटेंगे, उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा और अगले फंदे को डायरेक्शन चेंज करना है और 2 फंदों का बैक साइड से एक कर देना है और फिर 1, 2 और ये लास्ट के फंदे भी सीधे बना देने हैं। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, 2 फंदे मैंने सीधे बनाए, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर उल्टे फंदे पर मैंने धागा लपेट कर जाली डाली है, एक फंदा सीधा बनाया, एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर अगले फंदे की डायरेक्शन चेंज करके 2 फंदों का एक किया है और 3 फंदे सीधे बुने। इसी तरह से हमने ये रिपीट करते चले जाना है। उल्टी तरफ से सभी फंदे उल्टे बुने जाएंगे,
जो आगे से उल्टा बनाया है उसे सीधा बनाना है, और जो जाली डाली है उसे भी हमने सीधा ही बनाना है। ये देखिए ये आगे उल्टे की तरफ सीधा आ रहा है, तो इसे हमने सीधा बनाना है। और जो जाली डाली है, जाली वाले फंदे को भी हमने सीधा ही बनाना है, बाकी सभी फंदों को उल्टा बना लेना है। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही करनी है, जो उल्टे फंदे जाली से बने हुए फंदे होंगे वो सीधे बनेंगे, बाकी सभी फंदे आपके उल्टे बनेंगे। ये देखिए ये जाली ये उल्टी तरफ से सीधी तरफ से उल्टा है, तो हम इसको उल्टी तरफ से सीधा बुनेंगे और जाली से बने फंदे को भी सीधा बुनेंगे, लास्ट के फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब सीधी साइड फिर आएंगे, फिर दो फंदे पहले सीधे बुनेंगे और उल्टे फंदे पे फिर जाली डालेंगे, एक और दो, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, अगले फंदे को सीधा बुन लेना है, फिर अगले फंदे को इस फंदे को इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है और दो फंदों का एक बना देना है, एक फंदा सीधा, फिर हमारा उल्टा फंदा आ गया। उल्टे फंदे पर फिर धागा डाल के जाली डालेंगे, एक, और ये जाली से बना हुआ फंदा भी था इसे भी उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और दो फंदों का एक करेंगे बैक साइड से, एक फंदा आपका फिर सीधा जाएगा, फिर आपका ये उल्टा फंदा आ गया। उल्टे फंदे पर फिर जाली डालेंगे और दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा और इस फंदे को पलटेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे और दो फंदों का एक बना देंगे, एक फंदा सीधा और दो फंदे लास्ट के सीधे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो भी हमारा उल्टा फंदा आएगा उसके ऊपर आपने धागा आगे करके जाली डालनी है, फिर एक फंदा जो सीधा बनाना है और अगले फंदे को पलट कर दो फंदों का एक कर देना है, और उल्टे फंदे से पहले जितने भी फंदे हो गए वो सीधे बुन लेने हैं। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही रिपीट करनी है, उल्टी तरफ से सारी सिलाई उल्टी बुननी है, जाली से बना फंदा सीधा और उससे पहले जो फंदे सीधे आगे से उल्टा बना हुआ है उसे भी सीधा बुनना है। अब ये देखिए ये यहाँ से उल्टा बना हुआ है और ये यहाँ से उल्टी तरफ से सीधा है, तो इसका मतलब इसे भी हमने सीधा ही बनाना है, और जाली से बने जितने भी फंदे हो गए वो सारे सीधे बुने जाएंगे, बाकी सभी फंदे उल्टे, तीन फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे तीन फंदे सीधे, जाली से बने हुए फंदे बढ़ते चले जाएंगे और दूसरी तरफ से फंदे जो हैं घटते चले जाएंगे, लास्ट के दो फंदे उल्टे, फिर सीधी तरफ आ गए हैं। इसमें हमने जो है तीन जालियां डालनी हैं, दो जालियां हम डाल चुके हैं, एक जाली और डालनी है। सीधी तरफ से दो फंदे सीधे, फिर उल्टा फंदा आ गया तो धागा पलटेंगे, जाली डालेंगे और एक दो तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, अगले फंदे को सीधा बुनेंगे और अगले फंदे को डायरेक्शन चेंज करेंगे और दो फंदों का एक बना देंगे, फिर उल्टा फंदा आ गया। उल्टे फंदे पर फिर जाली डालेंगे, एक दो तीन फंदे उल्टे बुने जाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर अगले फंदे की डायरेक्शन चेंज करेंगे और दो फंदों का एक करेंगे बैक साइड से, दो फंदों का एक बैक साइड से, फिर आपका ये उल्टा फंदा आ गया। धागा आगे करेंगे, जाली डालेंगे और एक दो तीन फंदों का उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा और अगले फंदे की डायरेक्शन चेंज कर कर दो फंदों का एक करेंगे बैक साइड से और दो फंदे लास्ट के सीधे। ये मेरी सातवीं सिलाई बन गई है। छठी सिलाई बनी है और उल्टी सिलाई, जो फंदे जाली से बने हुए हैं उन्हें आपने उल्टा बुनना है, सीधा बुनना है, बाकी सभी फंदों को उल्टा बुनना है। ये जो फंदा आगे से उल्टा चल रहा है पीछे ये सीधा है, तो इससे सीधा ही बुनेंगे और जाली से बने जितने भी फंदे हैं उन्हें भी हम सीधा ही बुनेंगे, दो फंदे उल्टे, एक
दो तीन चार फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, और लास्ट के दो फंदे उल्टे बने जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, तीन जालियां डल चुकी हैं। तीन जालियां डालने के बाद ये जो है छह सिलाइयों का जो है पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब सातवीं और आठवीं सिलाई आपने जो है दोनों प्लेन डालनी है, सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। तो मैं आपको प्लेन सिलाई डालने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक सिलाई मैंने सीधी और एक सिलाई जो मैंने उल्टी निकाल ली है। ये देखिए दो सिलाई बना ली है, एक सीधी और एक उल्टी, और ये आपकी जो है आठ सिलाइयों का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब आपने जो फिर से ये छह सिलाइयों को दोबारा से रिपीट करना है इन्हीं दो सिलाइयों के ऊपर। तो इसमें आपने पहले करना क्या है, पहले दो फंदे स्लिप करें, ये दो सीधे बुनेंगे, एक उल्टा पांच सीधे, एक उल्टा पांच सीधे, एक उल्टा पांच सीधे, और लास्ट के दो फंदे प्लेन। और उल्टी सिलाई में जो आगे आपने आगे का फंदा उल्टा बुना है उसे उल्टी तरफ से सीधा बुनना है। और जब नेक्स्ट सिलाई करोगे, दूसरी जाली डालोगे, तो जो उल्टा फंदा है उसके ऊपर जाली डालनी है, उससे अगले फंदे को एक को सीधा बनाना है, और अगले फंदे को पलट कर उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है, और दो फंदों को एक साथ एक कर देना है। फिर आपने जब दूसरी जाली डालनी है, हर उल्टे फंदे पे आपके एक एक जाली डलेगी और एक एक फंदा सीधा होगा, और अगले दो फंदों का एक करना है। पहले फंदे को पलटना है, फिर दो का एक करना है। सीधे फंदों को आपने ऐसे ही बनाते चले जाना है। इस तरह से आपकी ये तीन जालियां डल जाएंगी, और उल्टी तरफ से आपने जो जाली से बने फंदे होंगे वो सारे आपने सीधे बुनने हैं, बाकी सभी उल्टे बुनने हैं। और जाली से बने फंदे आपने जो उल्टा फंदा है उसे सीधा, और अब बाकी जितने भी जाली के बाद के फंदे बनेंगे वो सारे सीधे बनाने हैं। और इस तरह से आपका ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा ये पैटर्न जो समझाना का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।